मैं आ चुका हूँ फिर से लाइव। टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं, हम आ गए फटाफट से। आप भी आ जाए फटाफट से और ज्वाइन कर ले हम लोग को फटाफट से। देखो यार कैप को धो लिया हो। हाँ तो पानी भी लिया ना फिर क्या? फिल्टर आ जा, वो वाला लगाए जो कल रात भी लगाए। सो गाइस फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, हम लोग लाइव आ चुके हैं। एंड किसी ने लाइक कर दिया एंड जो भी लाइक किए हैं भैया एंड जो भी आए प्लीज हेलो का मैसेज डन के दे। वो हो जय माँ विष्णु देवी, जय श्री राम। हाँ भैया भैया राम राम भाई, कैसे हैं आप? वेट कर रहे थे, आई थिंक वेट कर रहे थे आप हम लोग का लाइव का। इनको भी बता दो, कह दो कल हम लाइव नहीं आएंगे, सुन लीजिए आप। ओ आप सुन लीजिए, कल हम लोग लाइव नहीं आएंगे, कहीं कल हम लोग के हाथ पापा की तिरही है। परसों जरूर आएंगे, परसों जरूर आएंगे, तो परसों आइएगा, कल नहीं आ सकते। अगर कल आएंगे तो रात में आएंगे, हम आएंगे अकेले 11 बजे अगर आएंगे तो, शायद ही, कोई पक्का नहीं है। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि रात में आऊं, सारा काम निपट जाएगा तब, अगर थके नहीं होंगे तो। ओके भाई, ओके। आप लोग परसों चले मत जाना इधर उधर पे, एंड आप लोग चाहिएगा नहीं, हमारे लाइफ का वेट करिएगा। अब किसी की आगे कोई फंक्शन या कुछ होगा तो वो तो आ नहीं सकेगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा डे नाइट, लेट नाइट में आऊँ। नहीं जाएंगे दादी दी क्या आपके, मेरा जाना सिस्टर फटाफट जो हाल ही हो, फटाफट से जो लोग देख रहे हैं, फटाफट से जो लोग देख रहे हैं, ठीक है जो फटाफट से जो देख रहे हैं लाइक कर ले, और लोग भी 3 लोग देख रहे हैं, और भी लोग ज्वाइन हो जाएं। एंड स्वीटी रानी भी आ गई है। देख लीजिए गाइस, शिवटी रानी भी आ गई हैं। हेलो कैसे हैं, वेलकम टू माय लाइफ। वाह वैष्णो देवी की आरती हो गई हो, जय माता वैष्णो देवी की, जय माँ वैष्णो देवी की। कैसा फिल्टर लगाया है जान पूछ के, सही। आपको मेरा प्रणाम सिस्टर, प्रणाम भैया प्रणाम। नहीं जाएंगे। और बताइए क्या हो रहा है, सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएं आज, जल्दी जल्दी सारे लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि कल हम नहीं आएंगे, इसलिए आज ही सब लोग ज्वाइन हो जाएं और खूब सारी बातें करें। अभी 1 घंटा है हमारे पास। प्रतिभम भाई, जय जय जगन्नाथ भाई, कैसे हैं आप? कुछ नहीं दीदी, बैठा हूँ। अच्छा बैठे हो, ओके ओके। अच्छा कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पे वीडियो कॉल, वीडियो कॉलिंग तो हो सकती है क्या? जैसे यहाँ से इधर से हम करें। हाँ जब कोई नंबर होगा या फिर FB अकाउंट देंगे तब हो सकती है। फेसबुक अकाउंट दे दे भाई अपना, वीडियो कॉल। भैया मेरा एक काम करेंगे, अगर आप अपना नंबर दे दें, सेंड कर दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन तब तक यहाँ से कर जी। आप अपना FB अकाउंट सेंड कर दें और हम लोग उसे वीडियो कॉलिंग पे देख सकते हैं कि आप किस जगह पे है, स्थिर हैं माँ वैष्णो देवी के धाम पे। अगर आपका FB अकाउंट है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। हाँ नहीं ये बात तो आपने सही कहा। हाँ हाँ की तो बात ही अलग है, ये बात आपने सही कहा, क्योंकि जब हम 2015 में भैया गए थे दर्शन करने तो मुझे मोबाइल भी नहीं ले जाने दिए थे, और अगर जिनके पास मोबाइल था भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे, और वहाँ पे इतनी पुलिस लगी थी कि बोले थे एक भी सेल्फी नहीं खींच सकते हैं आप लोग, ना कोई फ़ोटो खींच सकते हैं, अगर आपको कुछ भी फ़ोटो तो खींचना है तो नीचे जाके खींचें। दीदी स्विच ऑफ रहता है जी। दीदी अच्छा, हेलो ललित सुई जी, हाय हाय ललित भाई, कैसे हैं आप?
आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज हेलो का मैसेज डन कर दें और सब लोग लाइक बटन को प्रेस कर दें प्लीज। हाँ 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 देखना है, तभी तो कह रहे हैं जब तक माता रानी नहीं बुला रही है तब तक थोड़ा सा लाइक देख के ही उनके दर्शन कर लें। आपको जोर से बुखार हुआ, आप कल भी तबीयत ठीक ली थी, आपने दवा अभी ली तक दवा नहीं ली है क्या? क्यों नहीं ली है दवा? देखिए ये वायरस भैया बुखार है, ये कम से कम 3-4 दिन तो रहता ही है क्योंकि गर्मी अब जा रही है ना स्टार्टिंग में, जब क्या मतलब सॉरी जब ठंड स्टार्टिंग में होती तब बहुत कहते हैं फीवर वीवर आते हैं और जब जाने को होता है तब बहुत आते हैं, तो ये 4-5 दिन लग जाएगा आप कंटिन्यू दवा लेते रहें और आराम भी करें और लेटे लेटे मेरे लाइफ का मजा लें। ठीक है, मैं आज लाइन में नहीं, सकती मैं आज लाइव नहीं आ सकती, ये क्या मतलब? नहीं, जब तक आपका मन हो तब तक आप लाइव रहे, और अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आपके फीवर है, क्योंकि जब फीवर होता है ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भैया आपको बता दे रहे कल हम लाइव नहीं आएंगे तो इसलिए थोड़ी आज बात कर लें, परसों जरूर आएंगे, कल नहीं आएंगे। इस पर आप लाइव देखेंगे दीदी, इस भैया है वो लाइव रहते हैं, कौन लाइव रहता है, कौन लाइव रहता है, किस पे भैया, कौन सा चैनल है, चैनल का नाम बताएं आप। आयुष गुप्ता, हाय आयुष भाई, कैसे हैं आप? और जो लोग भी नए ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी हाय हेलो का मैसेज डन कर दें आप लोग। कैसे कलर लगा रहे हैं? ये तो बहुत ही कलर पहले जो लगाते थे सुबह फीवर नहीं, हाँ सुबह के टाइम फीवर नहीं आता। तो पहले तो आप जांच करा लीजिए, अपनी ब्लड जांच कराइए, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत ना निकले। यक्षुम पर सॉरी, ये रेलवे स्टेशन पर जॉब करता है। कौन रेलवे स्टेशन पे जॉब करते हैं? कौन भैया रेलवे स्टेशन पे, किनको बता रहे हैं कि रेलवे? अच्छा ये जो प्रतिभम भैया है ये, इनको क्या आप जानते हैं? ये रेलवे स्टेशन पे जॉब करते हैं, इनके लिए कह रहे हैं। एंड आप इनको जानते हैं कि आपको कैसे पता? ये कल हमसे पूछ रहा था कि ये कौन है, आपको दीदी बहुत कह रहे हैं। विक्षम चैनल पर लाइव आते हैं देवी। और जिन्होंने भी लाइक किया है बहुत बहुत धन्यवाद, और लोग भी ज्वाइन हो जाएं प्लीज, जो ज्वाइन है फटाफट से हेलो का मैसेज डन करते रहें, कंटिन्यू मेरे लाइव में बने रहें 1 घंटे तक प्लीज आप सब लोग। हम लोग ज्यादा देर आते नहीं है, मत समझना, क्यों आपको बुरा क्यों समझेंगे, आपने ऐसी बात क्यों बोला, आपको बुरा क्यों समझेंगे। एंड फटाफट से जो देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर ले, जो नए देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे भाई, अरविंद भाई आपको क्यों वीडियो में लाइन सेंड कर देता हूं। ओके राधे राधे, मैं आता हूं, सॉरी। और लोग जो नए ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जो हम लोग न्यू देख रहे हैं न्यू लोग वो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हम लोगों के हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फटाफट से और आप हमारे सारे वीडियो देख लें।
जो हम लोग अपलोड करते हैं डेली, एंड लाइव का भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा 8 बजे सीधे आपके पास। अरविंद जी कैसे हैं आप? आप पहली बार आए हैं लाइव? आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? और कहाँ से हैं आप? एंड अरविंद जी आप कहाँ से हैं? फटाफट से मैसेज करते रहे आप लोग, रुकिए ना। अच्छा, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद दर्शन कर लीजिए। आपको लाइट वाला वीडियो में लिंक सेंड कर दिया है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, लाइव कितने बजे लाइव आते हो ये भी बता दीजिए, किस टाइम लाइव आते हैं। अच्छा, वो उनका नाम बता रहे थे मुझे, पता था जो ये स्क्रीन पे कर रहे थे, तो शायद उनका नाम हो उसका लिंक दे दो सर। सर मुझे बुलावा नहीं आ रहा है। अच्छा, बुलावा नहीं आ रहा है, आ जाएगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग में कितने बजे भैया, जैसे कि कुछ टाइम बता दीजिए। मैं 8 बजे 9 बजे ऊपर छूट गया। क्या ऊपर छूट गया? देखिए जा, चेक करिए क्या ऊपर छूट गया। अरविंद जी ने क्या बताया, देखते हैं। एक छूट गया भैया, क्या छूट गया ऊपर? अरविंद जी का राधे राधे भी तो बोला है, खाली भी कहा कुछ बोला। ये क्या ऊपर छूट गया बताएं, फिर से बता दें आप। 11 बजे ओके, 11 बजे। और जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज हेलो का मैसेज सेंड कर दें प्लीज। आप कल क्यों नहीं लाइव आ रहे हो? वो सुनिए, हम लोग इसलिए लाइव नहीं आ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज, मैं सबसे कह रही हूँ मैं लाइव इसलिए नहीं आऊँगी, कल मेरे पापा जी की तिरही है, ससुर जी मतलब मेरे ससुर जी की तिरही है, इस चक्कर में हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सुबह तो शांति हवन होगा, उसके बाद खाना स्टार्ट होगा 5-6 बजे, वो रात में 10 बजे तक चलेगा, उसके बाद फिर इतना समेटा सिमटी हो जाएगा, तो हम लोग कल कोई कीमत पे आ ही नहीं सकते, इसलिए मैं कह रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिला तो मिला, अगर मिल गया तो 11 बजे मैं आऊँगा, ये नहीं आ सकती, ये थक जाएंगी तो फिर सो ही जाएंगी। और ये खाना भी नहीं खाया है अभी, खाना खाने का टाइम नहीं हुआ। और ये याद रखिएगा, अगर हम कल लाइव ना आए तो आप ये मत समझिएगा कि अब हम आएंगे नहीं, हम लोग परसों 100% आएंगे लाइव, मतलब 13 डेज नहीं, मतलब सिर्फ कल नहीं आएंगे, मतलब तिरही मतलब जो क्या कहते हैं पूजा वूजा कराई जाती, शांति हवन कराया जाता है, उसके बाद खाना ना कराया जाता है, सारे लोग आते हैं, वो जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद तिरही होती है, वो मैं कह रही हूँ। तो मैं कल सिर्फ नहीं आऊंगी, सिर्फ कल नहीं आऊंगी, वैसे डेली आऊंगी। तो आप लोग प्लीज सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे दिन आऊंगी परसों, तो आप लोग सारे लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं 3 दिन नहीं आई थी, आप लोग अचानक से पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं ये कह रही हूँ कल सिर्फ नहीं आऊंगी। संतरे के रस में जूस, संतरे को रस को जूस कहते हैं, जो इसे लाइक ना करे तो उसे सबसे बड़ा कंजूस कहते हैं। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी लिखी अरविंद जी आपने। ओके बाय, गुड नाइट, ओके, अपना ध्यान रखिए भैया आप। राधे राधे भाई मनोज भाई, राधे 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 सर, मैम जी इस समय में पोहे बनाने जा रहा हूँ, वाओ, इसलिए मैंने दस्तक दे दी है और आप लोग
चलिए भैया पोहा बना के खाइए। ओके भैया पोहा बना लीजिए और तो खा भी लीजिए तब मनु आइए। सर, मैं आपसे भी कह रही हूँ कल मैं लाइव नहीं आऊंगी, तो प्लीज कल मैं लाइव नहीं आऊंगी। ओके थैंक यू, लाइक डन, कल मैं लाइव नहीं आऊंगी। मनोज सर को भी बता दे रही हूँ मैं परसों थैंक यू फॉर आऊंगी, लाइक मनोज सर। क्योंकि कल मेरे पापा जी की तिरही है, तो मैं परसों 8 बजे जरूर आऊंगी। सारे लोग सब्सक्राइबर जितने हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे सिस्टर हो। थैंक यू भैया। ये देख लो, सिम्बा कैसे सो रहे हो? चलो तो बैठो, अरे भाई चलो तो बैठो, मेरा जुकाम हो गया। इनके जुकाम तो होएगा, कभी एसी में बैठते हैं और कभी गर्मी में बैठते हैं, हमें पता है। हम भी कभी नहीं आएंगे, क्या लिख रहे हैं? हम आएंगे, कह तो रहे तो सिर्फ कल आप नहीं आएंगे। आऊंगी आऊंगी क्यों लिख रहे हैं आप? मेल से फीमेल हो गए क्या? माँ वैष्णो देवी के पास चलो लाइव देख बैठो। रहा हूँ। ओ वाओ, क्या क्या माँ वैष्णो देवी के पास लाइव। माँ वैष्णो देवी से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी माँ वैष्णो देवी काश काश ऐसा कोई सिस्टम होता कि चमत्कार हो जाए। आप भी दिखा दे हमको लाइव घर का नजारा। माँ वैष्णो देवी ऐसा चमत्कार कर दें कि हमारा वॉश टाइम पूरा हो जाए। माँ वैष्णो देवी से बहुत हमारी प्रार्थना है कि मेरी जल्दी वॉश टाइम पूरा कर दें। हे माता रानी, मेरी भी सुन लीजिए, तो जल्दी हम भी आपके दर्शन करने आए। काली मुर्गी हो जाए, लाइक ना करे, उसके हाथों में खुजली हो अरे जाए। वाह भाई, तो ये आपने हिडन में क्यों लिखा? मतलब ऐसे लिखते बहुत बढ़िया अनिल भैया, तो बहुत बढ़िया शायरी लिखते इतनी बढ़िया हैं। शायरी लिखी और आपने हिडन में जितने लिखी। जितने लोग भी देख रहे हैं, आप प्लीज आप दोबारा सेंड करिए, लेकिन आप हिडन में ना करिए प्लीज, यही शायरी आप फिर से सेंड करिए। और जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज अरविंद भाई अरविंद भाई की शायरी जरूर पढ़ें। नहीं अभी नहीं लिखेगी, अभी इन्होंने हिडन में करी है। आप प्लीज ऐसे ना करें, सेंड करें फिर से दोबारा करें जी। ईश्वर करे आप लोगों का सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। थैंक यू सो मच। और लोग भी ज्वाइन हो जाएं जो देख रहे हैं, प्लीज लाइक का बटन दबा दें, फटाफट से दबा दें लाइक का बटन। और आप लोग से अनुरोध है, आप बड़े बड़े कमेंट्स, बड़े बड़े मैसेज डन करें, बड़ी बड़ी बातें हम लोग से पूछें। भाई सॉरी, लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं हाँ, वो भैया, तो हमको पता है, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या कोई लेकिन दिखा आपकी सकता किस्मत भैया बहुत अच्छी है कि आप माता रानी के पास, माता रानी की गोद में बैठे हुए हैं आप। बहुत अच्छी बहुत किस्मत ही अच्छी किस्मत कि है दिन रात आप उनके दर्शन। वैसे आप वहीं के रहने वाले भी हैं, आपका जन्म स्थल वही है। इन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर ले। अच्छा भैया वैष्णो देवी में तो आपका वहाँ पे जो लोग जाते हैं फिर सिम भी चेंज हो जाता है बिहार से हैं आप? अच्छा बिहार से हैं आप? बिहारो बिहार ये क्या बिहारी आप? बिहारी बोल लेते हैं। हमारी एक भाभी हैं वो बिहार की हैं, उनकी लैंग्वेज हमको तो समझ भी नहीं आती। लखनऊ वाली भाभी बिहार की अच्छा है ना, वो पता नहीं क्या बोलती है, ना खलबू ना थलबू ना पतलू, पता नहीं क्या बोलती है, हमारे तो समझ में नहीं, लेकिन हमको अच्छा बोल लगता है बिहार की भाषा। नहीं नहीं भाई, अच्छा अच्छा बिहार की भाषा अच्छी बोल लगती है। मैं गुजराती मनोज सर, थोड़ा पोहा मनोज सर थोड़ा पोहा ज्यादा बना लीजिएगा, हमको भी शेयर करिएगा, शेयर करिएगा। एंड आप अपने बच्चों से भी कहे हम लोगों को ज्वाइन किया करें एंड हम लोगों को सब्सक्राइब कर ले मनोज सर प्लीज। सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएं, कितने हमारे यूट्यूबर हैं, कम से कम इतने 4,000 तो सब्सक्राइबर हमारे हैं। अगर 4,000 सब्सक्राइबर अगर इसमें आया करें तो कितना अच्छा लगेगा। अरे 4,000 में सिर्फ 1,000 आए तो कितना तो अच्छा, कितना अच्छी बात होगी। हम 1 घंटे की जगह 2-3 घंटे बैठेंगे यार, आए तो परीक्षा सिम कार्ड मिलेगा। अच्छा 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 हाँ, वहाँ पे सिम कार्ड दूसरा हो जाता है। आपकी फैमिली से आप लोगों को सपोर्ट है कि नहीं?
हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट है, है, ये हम लोग क्या पूरी कह रहे हैं फैमिली एक साथ ही रहते हैं, जी। एक साथ पूरी फैमिली रहते हैं। अभी हमारे एक ससुर शादी जी की पर डेथ हुई है तो सब, वरना तो सब लोग वैसे भी ये सब क्या, साथ किसी में को रहते दीवाना पसंद है तो किसी को परवाना पसंद है, हम हमें तो तो आप आप दोनों दोनों का को मुस्कुराना मुस्कुराना पसंद है। पसंद अरे है वाह भाई भाई। वाह 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 वाह, तारीफे थैंक यू भैया, बहुत अच्छी शायरी। काबिल आपने शायरी दी है, वाह वाह आप, वाह, हमको लगता है शायर हैं शायद, लगता तो है आप बहुत, शायरी बहुत अच्छी अच्छी मतलब लिखते बहुत हैं। प्यारी शायरी सेंड कर रहे हैं, वाह लव यू। और मनोज सर भी कभी कभी लिखते हैं, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे फटाफट से और लोग ज्वाइन, क्या मतलब 4-5 डेली लोग ज्वाइन होते हैं, मतलब हम लोग इतने टाइम से आ रहे हैं, 1 महीना हो गया वो नहीं। वो तो सब्सक्राइबर पर डिपेंड करता है, अरे जितने सब्सक्राइबर तब भी 4,000 सब्सक्राइबर है, कोई सब्सक्राइबर अगर 100 ही सब्सक्राइबर हम लोग को देखे तब भी बहुत बड़ी बात है यार। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें कि लाइव भी हम लोग को ज्यादा लोग देखें। हम लोग डेली 1 घंटा आते हैं, लोग तो 15 15 20 20, हम लोग तो चाहते हैं कि हम 2 2 घंटा आए, लेकिन 2 घंटा तभी आएंगे जो 100 से ऊपर सौ लोग सौ देखें। ऊपर मतलब लोग देखें, हम लोग को वॉच करें, 3 लाइक्स, अरविंद 3 लाइक्स, तो थ्री पता लाइक्स नहीं, सब सॉरी कुछ बड़ा बदल गया है दीदी, सब कुछ क्या बदल गया है भाई, सब कुछ जैसे कि बदल गया है दीदी। मतलब अच्छा, हम एक बात नहीं समझ पा रहे, जब 2015 में आए थे तो वहां पे एक हिरन था, उसमें मतलब वो हिरन आज भी वहां पे है, ये हटा दिया गया जहाँ पे माता रानी, स्टैच्यू स्टैच्यू मतलब हिरन ऐसा उसमें जैसे लग रहा था, इतनी चमक उसमें थी जैसे लग रहा, पता नहीं क्या लगे हुए थे, इतना बड़ा हिरन बना हुआ था, तो सुंदर लग रहा था देखने में। मैं पोहा बना तो लू, लेकिन आप तक कैसे पहुंचेगा, ये बात तो आपने सही कही, हाँ ये बात तो सही है भाई। सही बात है। वो क्या कहते हैं जब वो होता है क्या क्या होता है, आपके ऊपर हमारा बुरा है, क्या क्या बोलते हैं, कर्ज नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। यस ये हाँ दीदी, दीदी पीछे गुफा है, गुफा जी, हाँ गुफा, गुफा गुफा जब, के अंदर है, हाँ नहीं जब गुफा के पास जाने लगी, उससे पहले पता है पानी बहता है ऊपर से, बहुत अच्छा लगता है सन। हम तो सोचते हैं कि हम तब जाएं जब वहां पे क्या बोलते हैं बर्फ गिर रही हो, क्या कि बोलते जब उसको 2015 में भैया हम आए थे वही, तब कुछ था, अब तो शायद बहुत कुछ बदल गया होगा, कि सेम वैसे ही है, बहुत कुछ बदल गया होगा भाई, और क्या, 2015 में आए थे, सरकार चल रही मोदी जी की समय तो हर चीज बदल रही है। पता नहीं माता रानी कब बुलाएंगी हमको, हमारे जैसे पापा नहीं जा पाए कभी, बेचारे टिकट कटवा के रह गए, तो माता लोगों रानी के चक्कर में रहो ना तो ऐसा ही होता है। देखिए आप कब पहुंच पाते। यस मत मुस्कुराओ भाई, इतना मत मुस्कुराओ भाइयों को खबर लग जाए जाए करेंगी, आपकी तारीफ और आपको नजर लग जाएगी। सही है, ये बात सही है, लेकिन मुस्कुराने से खून बढ़ता है, मुस्कुराते हुए रहना चाहिए हमेशा, कभी मुस्कुराहट बंद नहीं करनी चाहिए, कहते हैं गम आए तब भी मुस्कुराहट से टाल देना चाहिए, वो गम जल्दी चला जाता है। रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन में माँ वैष्णो देवी का दिखता है। भवन दिखता है। अच्छा अच्छा हाँ मैंने वो गूगल मैप पे सॉरी मैप पे देखा है, बिल्कुल नज़दीक ही नज़दीक है, पर नहीं भवन से जो है स्टेशन दिखता है कि स्टेशन से भवन दिखता है, स्टेशन से नहीं भवन से रेलवे स्टेशन, स्टेशन से माँ, भवन से स्टेशन दिखता होगा, पता नहीं, रेलवे स्टेशन से माँ वैष्णो देवी का भवन दिखता है, दोनों सेम ही चीज़ है, ऊपर से तो ऊपर देख, से तो आराम से दिखेगा, लेकिन ऊपर से नीचे से देखेंगे तो तो ऊपर नीचे से देख, नीचे का भी दिखेगा, वो छोटा दिखेगा थोड़ा बहुत बस। गुड नाइट बाय बाय, बहुत जल्दी जा रहे हैं अरे भैया, अभी शायरी आपकी शुरू हुई थी, अभी तिल दिया रहे, अरे कम से कम बहुत 10-20 जल्दी आपका शायरी गुड और नाइट करते हो गया भाई, अरविंद भाई इतनी जल्दी ना जाए आप। अरविंद भाई आपने बताया नहीं, आप कहाँ से, कहाँ से बताया, पता नहीं भैया आप कहाँ से, आपने ये नहीं बताया, या बताया तो देख नहीं पाया, या नहीं ऐसा कुछ मैसेज आया नहीं, यही चीज बहुत खराब होती है, तभी मेरा मन नहीं होता। हाँ मतलब क्या ही करे, हम टाइम चेंज कर दे क्या, टाइम चेंज कर लेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिहार से, अच्छा अच्छा हाँ, बिहार से तो वो भी
दोनों लोग बिहार से, बिहार के लोग हमको ज्यादा। 22 जनवरी को आया भाई माँ वैष्णो देवी का पीछे गुफा का दर्शन कराया, दर्शन पश्चिम गुफा का दर्शन प्लीज जल्दी जल्दी सारे लोग ज्वाइन हो जाएं कि आप लोग पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच। अरे मतलब जो हम ये देखते हैं जो ज्वाइन हो जाते हैं वो भी चले जाते हैं, मतलब क्या बताएं। अरे कम से कम 100-200 लोग तो आ जाएं भैया, कभी हमारी भी ऊपर वाला सुन ले, क्या बताएं, सुनता ही नहीं, कष्ट पे कष्ट हो रहे हैं, कोई चीज़ जल्दी हो ही नहीं। अरे मेहनत हम भी करेंगे लेकिन आओ तो आप लोग। गुड नाइट जी, डायरेक्ट गुड नाइट जी, कौन है रूपांजलि, रूपांजलि डायरेक्ट गुड नाइट, हाय हेलो नहीं, हाय हेलो करिए मैम। 14 जनवरी से होली तक खुलता है, अच्छा अच्छा खुलता है, ओके तभी लोग ज़्यादातर होली होली में जाते नहीं। इस समय भीड़ काफ़ी होगी वहाँ पे, होली का टाइम चल रहा है, होली का। दीदी आप टाइम निकाल कर आए। हाँ बिल्कुल आएंगे भैया, एक तो कोशिश तो बहुत है हमारी, अब देखिए कब माता रानी कब बुलाएंगी हम लोगों को। हमसे तो माता रानी कह दें कि 2 दिन के बाद आ जाओ, हम तो दौड़ते चले आए, एक बार माता रानी कह तो दें उनका। अब माता रानी कहेंगी तो पूरी व्यवस्था भी वही करेंगी, और क्या उस हिसाब से। अभी हम कभी वैष्णो देवी आए इतने लंबे टूर पे तो जितने लोग ज्यादा हो उतनी अच्छी, नहीं अच्छा लगता, दो लोग अकेले अब जैसे कि एक दो लोग और मिल जाए साथ में जाने वाले तो सफर का पता नहीं चलता है, और यात्रा जो होती है मंदिर की उसका ही पता नहीं चलता है। नहीं तो दो लोग आओ तो थोड़ा सा एक डर भी बना रहता है, और ऐसा काफी लोग एक मतलब ये रहता है कि चीजें बहुत सी है तो केयर करके चलना है। श्रेया राठौर हेलो जी, नहीं 9 से 17 अप्रैल तक है। ओके भैया अभी तक हमारे साथ केदारनाथ वाले एक जुड़े थे ना, जुड़े थे केदारनाथ वाले, वो बंदे भैया अब तो गायब हो गए। हम तो कहते इतने तीर्थ स्थल है, सारे तीर्थ स्थल के लोग हमको ज्वाइन करें, इतना मज़ा आएगा, क्या बताऊं गाइस। लोग आते चले जाते, एक एक बंदे देख रहे सिर्फ। मुझे अपना वॉच टाइम भैया बहुत जल्दी पूरा करना है, क्या लिखा है। माँ वैष्णो देवी का नेम लेकर यात्रा शुरू करें, करिए टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, अभी हमारे साले साहब गए हुए थे कुछ, एक साल हो गया नहीं, एक साल डेढ़ साल पहले गए थे ठीक है। तो जब यात्रा करके वापस आ रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे, उनका मोबाइल चोरी हो गया भैया, बेचारे का मोबाइल ही गिर गया, चोरी हो गया, गिर गया। तो गलती ट्रेन में ऐसे से लोग होते हैं, कोई मोबाइल चोरी कर लेता है तो कोई पैसे चोरी कर लेता है, ये वाली प्रॉब्लम बहुत। इतने सारे भैया ने वीडियो बनाए थे, वीडियो क्लिक की थी, फोटो क्लिक की थी, सब चला गया। मेरा भाई तो हर समझ लीजिए वो तो कोशिश करता है कि हर हम साल में एक बार जाएं। बहुत चोरी होता है तभी तो हाँ, तभी तो सोचते कभी भी जाएंगे सब लोग फर्स्ट क्लास एसी से जाएंगे, और उस वो हमको जो हमने देखा है ना टूर बहुत गजब का टूर होता है। श्रेया जी हम लोग अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं, आप बताएं कैसे हैं। श्रेया राज राठौर कौन, ये वो नहीं है। अरे श्रेया राज राठौर सीधे वही है भैया, हमारी भाभी जी।
वंदे भारत ट्रेन से आए। ओके अच्छा, आप उसकी सुविधा बताएं, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है वंदे भारत। हाँ, वंदे भारत ट्रेन का हमने यूट्यूब पे देखा था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। मतलब हम सोचते अभी जाओ नीचे, जाओ अभी बाहर। भाई नहीं है यहाँ पे, भाई नहीं है। दरवाजा उड़का लेना बेटा, दे देना दरवाजा। ठीक है, आ जा रहा हूँ दीदी। कहाँ जा रहे हो आज? खाना भी मिलता है? अच्छा भैया खाना वो भी, तो मैं देखा है, खाना मिलता है वहाँ पे। वो टी सीरीज वालों का जो है लंगर चलता है वहाँ पे, और भी और लोग का लंगर चलवाते हैं वहाँ पे। सबसे बेस्ट लंगर किसका होता है वहाँ पे? यस, हम लोग सीतापुर से हैं। जी, आप सीतापुर से हैं, आपको हमने ये बात बताई थी। ये क्या हो, 6 AM टू से 2 PM में माँ का दर्शन देवी। गुलशन कुमार का, जी हाँ, गुलशन कुमार का भंडारा चलता है, और आपने गुलशन कुमार का कहा है वही तो हम, तीसरी बोल रहे हैं। तो हमने गुलशन कुमार का भंडारा भी खाया है। और भैया थोड़ा सा उसके आगे बढ़ेंगे, वहां पे चाय मिलती है, 1 गिलास जी चाय और 2 मठरी, इतनी बड़ी बड़ी मठरी मिलती नहीं, है। तो गुलशन जो भंडारा होता है उसमें क्या क्या होता है? भंडारे में हमने जैसे खाया था, कढ़ी खाया था, कढ़ी चावल चावल खाया था, और और राजमा होगा। एक चीज और थी वहां पे, बहुत अच्छे से देते हैं खुद ही, और उसके बाद उठाने भी नहीं देते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही उठा लेंगे, जब हम गए थे तो उठाने भी नहीं दे रहे थे, कहते हैं हम खुद ही उठा लेंगे। उसी के थोड़ा सा आगे चलेंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन वहां पे इतने बड़े गिलास में चाय दी थी, 2 इतनी बड़ी बड़ी मठरी दी थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। और रास्ते भर बिस्किट और पार्ले जी बिस्किट सब खाते पीते हम लोग गए थे, बहुत सुविधा अच्छी ज्यादातर है। हमने जगहों पे देखा है यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ ये है नैमिष धाम, आप सुने होंगे कभी नाम नैमिष धाम में। हमारे यहाँ कहीं ऐसा है? कोई कराता होगा, मैं ध्यान नहीं। हम कोई कराता होगा, लेकिन मेरे नजर में अभी तक मैंने नहीं देखा है। वैसे यहाँ पे भी कराना चाहिए, है कि नहीं? ये तो बड़ा बहुत भंडारा जरूरी कराना है चाहिए किसी को, जो और हर बार होता ही रहे। नहीं हर दिन, हर टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम होना चाहिए डेली। और ये सिर्फ जो है वो सबके सपोर्ट से हो सकता है यहाँ पे। इसमें कुछ करना पड़ेगा क्या? तो लगता है लगता तो है यार, इसका भी कुछ, उसमें देख लीजिएगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पे देखते हो सब, वही सब चीज पुरानी पर दिखाते, कुछ लाइफ के बारे में दिखाते हैं। सर मेरा पोहा बन गया है, अब खाने की बारी आ गई सर है। मेरा अच्छा पोहा बन गया, आप खाने जी खा लीजिए, बढ़िया से बिल्कुल खाइए, बिल्कुल खाइए, आराम से खाइए। हम लोग का आराम, लाइफ देखते देखते खाइए, आप मजा लेते लेते जो है मजा लेते पोहा लेते खाइए, खाइए। पोहा खाइए। पोहा वैसे मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है, सुबह अच्छा लगता है। पोहा इन्हें भैया नहीं पसंद है, हो सकता है कि होटल का हो तो भले ही ये खा ले, मेरे हाथ का तो इन्हें नहीं पसंद हो है। सकता है आपने जो बनाया वो हमको अच्छा लगे, हाँ लेकिन जो हम लोग, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब लेकिन लोग अपने हमें तो अपने पोहा तरीके पसंद से है। बनाते हैं। पोहा तब बनाया था, भाभी ने बनाया था पोहा एक दो बार, एक बार तो हमने खा लिया कि वो बनाई थी इसीलिए, लेकिन दोबारा दोबारा जब दिया तो हमने मना किया, हमारे बस के लिए हमें तो अच्छा बिल्कुल। लगता है पोहा। मतलब कुछ अजीब सा लगता है, अजीब सा ही फील आता है, यस, और उसमें अपने मूंगफली के दाने पड़ते हैं ना तो और अजीब लगता है बोलो बिल्कुल। मूंग, अरे आपकी मर्जी हो तो डालें मूंगफली दाने, आपकी मर्जी हो तो नहीं मर्जी क्या, डालें, जो बनाएगा वो उठलेगा कि हम डालेंगे? मतलब बनाने वाले को ही बता रहे हैं। हाँ वही तो। आपका भी हिस्सा लगा दिया है, काश आप तक पहुंच जाता। अच्छा भैया चलिए, आपने लगाया तो आपने सोच लिया हम लोग के लिए, यही बहुत बड़ी बात है।
आप खाइए, समझ लीजिए हमने भी खा लिया। एंड मनोज सर आप अपना FB अकाउंट जरूर सेंड करें हमें, के हमें कोई कमेंट्स में, किसी वीडियो के कमेंट्स में सेंड करें ताकि आप हमें भी फॉलो कर लें। ओके इसमें मेरे को लगता है कोई टाइटल डालना पड़ेगा, डाल दो लेकिन डाल के देखो और देखिए कुछ दूसरा होने आप सब प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए आप लोग प्लीज। हम लोग के लोग बोर हो गए, तो अब वो हरकतें तो हम लोग कर नहीं सकते जो और लोग करते हैं सारी। अब जो और आप लोग भी कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेते रहे। जी जी बिल्कुल ज्यादातर वैसे तो बहुत गर्मी लगती थी, ऊपर का रूम है, अब जैसे अब ये है कल से थोड़ा सा एसी चलने लगा है तो ठंडा लगता है तो एनर्जी मिलती रहती है। वैसे बहुत गर्मी लगती थी तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एनर्जी में। क्या थोड़ा सा ये ग्लूकॉन डी तो बहुत शौक से पी लेते हैं, ये तो ग्लूकॉन डी ले लेते हैं। चाय तो अब इस समय कोई लेते नहीं है, 6 बजे ले लेते हैं तो एनर्जी वाली चीज़ लेते रहते हैं हम लोग भी। और लोग भी ज्वाइन हो जाएं प्लीज, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए आप लोग। सारे सब्सक्राइबर कहाँ चले, आप रॉयल गेमिंग भी नहीं आए, सो गए हैं, कल तो सो गए थे, आज भी सो गए। प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाए सारे लोग। इतने लोग लाइव चलाते हैं, सबके लोगों को जुड़ना होता है। गला टाइम चेंज नहीं करो तो आने लगी। अच्छा भैया हमने से तो हम तो कल ही से एसी चलाना, कल ही हमारे यहाँ सर्विस करने आए थे ना, तो हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। अचानक से इतनी गर्मी हो गई कि पूछिए नहीं, तो कल ही एसी सर्विस कराया, अब एसी चालू कर दिया है। बहुत गर्मी हो रही थी, एक तो ऊपर का रूम होता है तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि इसके ऊपर भी बना नहीं है ना, तो रूम में बैठ ही नहीं पाते हैं। मनोज सर कह रहे हैं हमने भी एसी चालू कर दिया आज मैंने। इसके बारे में बाद में देखिएगा कि लाइव वीडियो के बारे में।
बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा। हम ये सोचते हैं कि जितने लोगों ने भी हम लोग को सब्सक्राइब कर रखा है, सब अपने अपनी मर्जी से सब्सक्राइब किया है, तब भी हम लोग का लाइव नहीं आते। हम लोग का लाइव का टाइम ही सेट है 8 बजे से 9 बजे तक, ज़्यादा देर भी नहीं आते, 1 घंटा सिर्फ आते हैं, तब भी लोग नहीं आते। मतलब इतने लोग हैं, ऑल वर्ल्ड देखता है यूट्यूब, लेकिन बताइए एक लोग सिर्फ ज्वाइन है, बताइए एक लोग देख रहे हैं। कभी कभी अचानक से 25 लोग आ जाते हैं, वो आते हैं फिर वो 5 ही मिनट होता है फिर चले जाते हैं। मतलब हम लोग क्या अच्छी बातें नहीं करते हैं या अच्छे कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं दिखा रहे इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो चीज़ तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। हमने देखा जो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं उनके में 100, 200, 300 व्यूज आते, लाइक्स आते, मतलब लोग देखते हैं, क्या बताएं। अच्छाई का मतलब कुछ जमाना ही नहीं है आजकल। हमने देखा है उलर पुलर पे सब्सक्राइबर भी ज्यादा है, लाख है, कहीं मिलियन है, और जो मेहनत करता है, अच्छी वीडियो बनाता है, तो उसके में तो कोई आता ही नहीं है। हम लोग के हिसाब से हम लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो तो बात अलग है कि ऑडियंस को भी अच्छी लगनी चाहिए। मेरी ऑडियंस को अच्छा लगता है तभी उन्होंने इतने सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं। जब हमने खोला था तब 0 थे, 0 थे, एंड 0 से 4000 तक के सब्सक्राइबर हुए हैं। तो अपनी मर्जी से हुए, जबरदस्ती हम लोगों ने, हम लोग यही सब कहते हैं सब्सक्राइब कर लें, जिसका मन हो तभी करेगा, जिसको अच्छे लगेंगे तभी करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर रखे प्लीज़ हम लोगों की लाइव भी तो आए कभी कभी, आते नहीं है, कितनी गलत बात है बताइए। 1 घंटा मतलब, अरे 15-20 मिनट ही लाइव आ जाए बातचीत कर लें कुछ, क्या बताया जाए। चलिए कोई नहीं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश बनाए रखेंगे हमेशा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसा एक दिन आएगा जरूर कि हमारे तो लाइव में 200-300 लोग जुड़े होंगे। हमने पहले सोचा था कि एक दिन छोड़ छोड़ के लाइव आए, फिर हमने डिसाइड ये किया जब हम लोग डेली आते हैं तो इतने कम लोग आते हैं, और एक दिन छोड़ छोड़ के आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे, तो बिल्कुल डेड हो जाएगा चैनल। इस चक्कर में डेली आते, अगर सब लोग कायदे से आने लगे तो हम एक दिन छोड़ के आए, एक दिन छोड़ छोड़ के आए। आप लोग बहुत सुंदर हैं। हम लोग सुंदर तो हैं लेकिन वो आपके लिए हैं और लोगों के लिए नहीं है, और लोगों के लिए अगर हो तो वो भी ज्वाइन हो जाए हम लोगों का लाइव देखने के लिए। लेकिन हम मनोज सर ये जरूर कहेंगे कि भले हम लोग थोड़ी देर के लिए लाइव आते हैं, लेकिन हाँ जो समझता है वो लाइव जरूर आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे बहुत से भैया हैं, जैसे ही हम 8 बजता है वैसे तुरंत आ जाते हैं, ठीक है, भले ही एक आधा घंटे के लिए नहीं 15-20 मिनट के लिए आते जरूर, लेकिन आते जरूर हैं क्योंकि वो वेट करते हैं। आप भी तुरंत आ जाते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर 4000 आ गए, 4000 में से 100 ही लोग आए तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। हम तो सोचते हैं एक दिन छोड़ छोड़ के आए, लेकिन हमने इनसे कई बार कहा है कि डेली आते हैं, एक दिन छोड़ छोड़ के आते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जब एक दिन छोड़ के आएंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा चैनल, क्या बताएं, कोई सपोर्ट भी नहीं करता है, इतनी मेहनत करते हैं। जो चल रहा है क्या बताऊं, 1 घंटा होने वाला है हमारा भी टाइम, और हम सोच रहे थे आज सब लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन। 1-2 ऐसे लाइव गए थे हम लोगों के जिसमें भर भर के लोग आए थे और काफ़ी देर भरा भर मैसेज आ रहे थे और लोग बात भी कर रहे थे, तो उस दिन बहुत अच्छा लगा। उस दिन 1 घंटा कब बीत गया हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग ने कहा कि चलो आधा घंटा और मतलब लाइव में रहते हैं, तो हम लोग आधा घंटा और रहे थे, टाइम भी यही था, टाइम भी सेम यही था। अब पता नहीं क्यों क्या हो गया, लोगों को कुछ ज्वाइन करना पसंद नहीं करता है। लेकिन अपने पे भरोसा, एक ना एक दिन ऐसा होगा जो 100-200 लाइव देखेंगे लोग हमारा, बस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, अब बस मेहनत ही है, जो भी कर रहे हैं सब मेहनत है, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है।
कल तब भी ज्यादा लोग पता नहीं क्या हो जाता हमारे ऐसा तो है नहीं कि कोई फेस्टिवल है या कुछ है लोग बिजी होंगे यार 10-15 लोग दिखते हैं ना तब भी थोड़ा मन को सुकून मिलता है कि हाँ लाइव लोग देख रहे हैं तो कुछ ही नहीं देखते हैं ना तो हम थे ऐसे सफर में खड़े जिसकी कोई भी मंजिल उसका कोई भी हासिल नहीं। जी भैया ये बात तो आपने सही कही हम होंगे एक दिन कामयाब ये हमें पता है पूरा है विश्वास हमें। जी पूरा है विश्वास। आपको एक प्राइवेट बात बताऊं मैं बताना चाहिए बता रहा हूँ इनका मैंने 5 साल वेट किया 5 से 6 साल वेट किया तब मुझे ये मिली हैं बहुत इनके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं तब जाके हमको ये मिली हैं। लोग कमेंट्स पे कहते हैं लंगूर के साथ अंगूर कैसे इस अंगूर से पूछो कि इस अंगूर ने कितनी मेहनत की लंगूर ने कितनी मेहनत की है इस अंगूर को पाने के लिए। तो हर चीज़ में मेहनत लगती है हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लेकिन वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है अगर आप उसको सच्चे दिल से शिद्दत से चाहें तो। ये मैंने एग्जाम्पल तौर पे इनको ले रखा है। जी हम लोग निराश नहीं हो रहे हैं लेकिन एक लगता है ना कि लाइव में भर भर के लोग आए तो बहुत अच्छा लगता है लाइव चलाते हुए जब आते तो मन करता दूसरे दिन बहुत जल्दी आ जाएं। और जी ये बात तो सही कहा जोड़े ईश्वरी बनाते हैं। जी ये बात तो सही है और हम लोगों की शादी श्री कृष्ण और राधा जी के सामने हुई थी बहुत अच्छा लगा। आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। हाँ एक एनिवर्सरी का ब्लॉग पड़ा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉग मतलब पार्ट में है वो जो है हम लोगों की जहाँ पे शादी हुई थी वो वाला ब्लॉग पड़ा है वो मंदिर है आप देख सकते हैं जाकर कि हम लोग उसी मंदिर में हम लोगों की शादी हुई थी। हमारी काफी वीडियो भी पड़ी है हाँ उसमें काफी वीडियो ब्लॉग पड़े आपने पता नहीं आपने ब्लॉग देखे भी हैं या नहीं देखे आप हमारे वीडियो भी देखे काफी वीडियो पड़े हुए हैं अभी हमने काफी 1 महीने से ब्लॉग नहीं बनाया है ब्लॉग भी जल्दी आएगा फिर से फिर मैं सोचता हूँ कि एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर ब्लॉग पे ध्यान दें मैं इधर चैनल को मोनेटाइज करने के चक्कर में लगा हुआ हूँ हालांकि ब्लॉग से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन ब्लॉग अगर लोग 2-3-4-4-10-10 हज़ार बार मतलब देखें तब जाके मोनेटाइज होगा और लोग हमारा 100-200 बार ही देखते हैं इससे ऊपर आज अच्छा, तक नहीं। आप फुर्सत में देखते रहते हैं मैं फुर्सत में देखता रहता हूँ अच्छा सर क्या अभी तक आपने कौन कौन से ब्लॉग देखे हमारे आप एनिवर्सरी वाला मेरा ब्लॉग देखिएगा वैसे कौन कौन से ब्लॉग देखे अभी तक आपने हमारे एंड प्लीज स्किप करके मत देखा करिए आप देखा करें तो पूरे मतलब एक जैसे कोई सीरियल देखते ना वैसे इस टाइम में देखा करें या जब खाना खाने बैठे हैं कुछ तब लगा लें तब देख सकते हैं आप हमारे ब्लॉग में थोड़ी बहुत मस्ती भी है इसमें जो हम बहुत मस्ती की टूर वाले ब्लॉग हैं जब उधर गए हैं वो वाले ब्लॉग में मस्ती भी है तो कुछ घर के ब्लॉग में भी मस्ती है ऐसा नहीं है 30-40 ब्लॉग हैं ऐसा लगता है कि लोग हमसे बोर हो गए बात करते फील ऐसे ही होता है कभी कभी जब कोई आता नहीं है आता है तो रुकता नहीं है
करता है तो बात नहीं करता है, बात करता है तो ज़्यादा बात भी नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंसान को अंदर से जो है थोड़ा वो कर देता है, कर देता है। क्यों भौंक रहे सिम्बा? वर्ड्स लिखे हुए माइनस और करोड़ सौ सब जाएगा, विजिबल हो जाएगा तो अभी बहुत थोड़ा है, अभी बहुत थोड़ा ही देखा है। मैं सच बोलना चाहता हूँ, हाँ धीरे धीरे सब देख लूंगा। ओके थैंक यू सो मच। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो तो परमानेंट के लिए पड़े हैं। जब आप फ्री हो तब, जब आपकी इच्छा हो तब देख लीजिए। कौन है? क्या है सिम्बा? अरे पहचानते नहीं हो क्या? तो डेली भूखते हो। ये सीरिया वाला कौन? आप तुमने चालू किया होगा क्या? मामी ने कहा था हेलो हाय भेज दो, आप कैसे हो? तो आपने क्या कहा था? मैं ठीक हूँ सीरिया जी, आप बताएं। लेकिन वो हम लोग का गड़बड़ हो गया था, पीछे नहीं होगा ना। यही तो बता रहा, डुगू रो रहा था, हम चुपचाप गाड़ी रख के भाग गए। नहीं नहीं, ये किसको गाड़ी में? अरे हम लोग आते ही चेतावनी शुरू, मोड़ में नहीं तो इसको मैंने पहले छोड़ दे, छोड़ दे। बताओ कैसे करते हैं? कल तो दिखाते हैं को गले लगा दो बेटा। नहीं बैठी रहे तो बेटा हम परेशान, क्या बनना है? नहीं अभी रुक, अभी रुक के जी ऐसे कहीं आएंगे। अब आप लोग भी खाने की तैयारी कर लिए, हमारा तो हो गया। अच्छा अच्छा जी, हम लोग भी अभी खाने की तैयारियां हो गई है, बस खाना रोटी की तैयारी होगी बस। 9:30 बजे तक खाना भी हो जाएगा, तक खाना हो जाता है। आज हम लोग को जल्दी सोना भी है, सुबह 5 बजे उठना भी, कि कल की कल सारी बहुत काम है, कल बहुत तैयारी, पूरा दिन काम ही काम है, इसीलिए कल हम लोग लाइव नहीं आएंगे। बताइए, इसीलिए सोचे थे आज कम से कम ज्यादा लोग आए, तो आज बिल्कुल गोल हो गए लोग। बेटा ऐसे पसंद नहीं किया, अगर उसको बैठे रहने दिया तो गर्मी थोड़ी लग रही है, गर्मी की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम बैठे हो तुमको बार बार कोई ऐसे ऐसे छेड़े, अरे हमको ऐसे तो वो तो बोल नहीं पाता है, झोंझिया पड़ेगा तो समझ में क्या क्या काट लेगा। हमें आपकी भी चिंता है। अच्छा चिंता है, चलिए आप चिंता तो करते हैं, कल बस हमारा वेट मत करिएगा, परसों बिल्कुल वेट करिएगा। 8 बजे हम आएंगे, 8 बजे आएंगे, कल नहीं आएंगे। तो कल आप बिल्कुल भी बेफिक्र हैं, 8 बजे फ्री रहिएगा आराम से, आपको लाइव भी नहीं देखना पड़ेगा हम लोग का। वैसे अगर इनको कोई काम नहीं होता तो ये 8 बजे लाइव वीडियो चला देते, लेकिन कल तिरही है तो लाइव वीडियो चल नहीं सकती, क्योंकि हाथ में पकड़ना पड़ता है, फिर बोलना भी पड़ता है। घर में दो लोग भी कहने लगे कि इस टाइम में हम कैसे मोबाइल को दिखा रही हैं।
और ज्यादा लोग हैं भी नहीं, दो ही भाई हैं, ये बड़े हैं। कोई और चीज की पार्टी मतलब कोई और चीज की दावत होती या कुछ होता तो जरूर हम लाइव दिखाते, लेकिन इस चीज की नहीं दिखा सकता उसको। तभी हमने इन सब चीजों का ब्लॉग भी नहीं बनाया अभी तक। अनाया अंदर आ जाओ बेटा, बंद कर दो। अंदर आ जाओ, एसी चल रहा है ना। डोंट शोर, डोंट मेक अ नॉइज। धीरे धीरे खेलो दोनों लोग, आवाज नहीं आनी चाहिए एक भी, वरना सीधे सब नीचे जाओ। देखिए कितनी शैतानी हो रही है आप लोग, इन लोग की शैतानी जरा देख लीजिए। एक लोग ही है, कौन देख लीजिए कितनी शैतानी हो रही है। डोंट डूइंग शैतानी पैतानी। उधर दिखा दो तुम देखो कैसे सो रही है, एंड सिम्बा देखिए कैसे सो रहे हैं। ये जिनी है, जिनी ये देखिए जिनी सो रही है। बच्चे दिल के सच्चे हैं जी, ये बच्चे दिल के सच्चे हैं और शैतानी बहुत है इन बच्चों के पास। अच्छे दिल के सच्चे हैं, शैतानी करते हैं पूरी पक्की, बहुत शैतानी करते हैं। बताए क्या बात है, बहुत बहुत शैतानी है, बहुत शैतानी। और ये दोनों लोग को इतना परेशान करते हैं, ये लोग बेचारे चुपके शांति से लेटे रहते हैं। अरे ये देखिए सिम्बा, नहीं करो अर्गो, डुगो बहुत परेशान कर डाटी है। क्या लगेगी भी तुम्हारी, वो नीचे छोड़ा। हां डुगो को नीचे छोड़ाओ, जाओ ना डुगो छु नीचे छोड़ो, इसे काम कर। छोड़ना के सामने आंखों के सामने ऊपर आके फिर ये रोएगा, तब हम लोग देखेंगे मजा आएगी। मैं तो हम लोग तो जा रहे नीचे, तुम आना है? नहीं को जाओ जीने पे, मर ले जाओ उसको, नहीं ले जाओ जीने पे। आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ, बार बार रूम नहीं खोलो, ऊपर बैठ के खेलो तीनों लोग। अरे यार ये अनाया दीदी हैं, ये भी घर के सदस्य हैं। जी सर, ये घर के सदस्य हैं, दो बच्चे हमारी नंद जी के हैं, दो बच्चे, और एक जो छोटा बच्चा है वो हमारी जिठानी का है, जिठानी जी का है। छोटा बच्चा जिठानी का है, दो बच्चे नंद के हैं। सर मेरे एक भी अभी बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भी बच्चे नहीं है। हमारे भी शादी के 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अप्रैल में हो जाएंगे। शांति रखे। अरे अब ऊपर वाला देखिए कब सुनते हैं। बहुत शैतानी हो रही है, बहुत ज्यादा। आर्यन बैठो, मोबाइल चलाओ, तीनों लोग देखो बैठ के। अभी हम लोग के बच्चे नहीं है, बस माता रानी से ये हम लोग कहते हैं जल्दी से एक हो जाए तो हम लोग भी टेंशन फ्री हो। तुम बीच में बैठो, तुम बीच में बैठो। क्या बताएं माता रानी, देखिए कब सुनती हैं। 3 साल होने वाले हैं शादी को। ओए उधर घिसो, पूरा इधर आओ, पूरा पूरा तुम इधर आओ। हर जगह दर्द ही दर्द है। आज वो नहीं है, क्या नाम है? हाय बोलो दीदी, कहती है के तो हेलो YouTube पे लाइव पे बच्चों को नहीं लेके आ सकते। किसने कहा था? आपने कल मेरा घर सीतापुर में है।
सीतापुर जानते हैं आप? यूपी। यूपी में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगर जानते हैं सर सीतापुर? ओ वाओ, हे भगवान, रेणु तिवारी जी की किस्मत कितनी अच्छी है। बस जस्ट अभी हमने बोला कि वो आज वो नहीं है जिनको आप दीदी कहती हो, और जस्ट आप आ गई। जस्ट आप मतलब तुरंत मैसेज किया। वाओ, क्या लक है आपका रेणु दीदी जी, बहुत आपका बहुत अच्छा लक है। बस इन्होंने भी पूछा ही था और तुरंत आप आ गई। मैं मतलब इनके दिल का संदेश आपके पास पहुँच गया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। क्या बात है, ये बातें तो ताजुब हो जाती है अचानक से कभी कभी, कि किसी को याद करो और अचानक से कोई आ जाए, जैसे लगता है कि आपके पास तुरंत संदेशा पहुंच गया। अरे आपका क्या, आपका मेरा घर बताया तो आपको सर? मायका पूछ रहे हैं या ससुराल पूछ रहे हैं? मायका भी लोकल ही में। मेरा मायका भी लोकल का है और ससुराल भी लोकल की है, क्योंकि हम की लव मैरिज शादी हुई है। अरे आवाज बंद करो। और रेणु दीदी कैसी हैं? आपने बहुत देर कर दिया आज, कहाँ थी आप? बहुत लेट में आई हैं आज आप। अरे जीनी जी, मुझे मारी ले, मुझे मार। अब बस बुद्धू को दीदी चली भी जाएंगी, बड़ा सन्नाटा लग गया। तब फिर मैं पहले कुछ कुछ करो, क्या कितनी देर लगे बेकार लगेगा, बहुत ज्यादा दुखी को भी खराब लगेगा। नहीं करो। अरे तुम्हारे आने आने बोलो। हम अगर मारेंगे ना बहुत देर लगेगी। अनाया कह रही नानी मुझे तो कल जाना है। कहाँ जाना है? क्यों, मेरा स्कूल खुल गया है। अच्छा, सब ठीक है। राम राम, राम राम। अरे ये क्या, ऊपर क्या पढ़ा है? हेलो लाइक डन, राधे राधे। अरे सॉरी, हम लोग मैसेज थोड़े डिले हो गए थे। राम राम, राम राम। भाई साहब की ससुराल, भाई साहब की ससुराल लोकल में ही है जी, लोकल ही में है। अभी राम अभी काम करके आई, ऐसा होता है, आई है ऐसा होता। अच्छा, गुड गुड। राम राम, सब ठीक है। हमारे पैर में बहुत दर्द होता है, आज ज़्यादा बढ़ गया था इसलिए हर काम देर से हुआ। अच्छा okay, अच्छा okay. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। मुझे ब्लू दे दो, सपोर्ट कर दूंगी। ब्लू दे दीजिए, सपोर्ट कर रही हूँ। ओके दे रही हूँ। हेलो, वाह, हाँ हल्दी वाला दूध पी लीजिए। ललित भाई कह रहे हैं, ये बात सत्य है, रेणु दीदी से कह रहे हैं ललित भाई कि हल्दी वाला दूध पी लें तो उससे पैरों का दर्द ठीक होता है। वैसे तो भैया हल्दी वाला दूध उसमें पिया जाता है जिससे चोट वोट लग जाती है। हाँ तो अंदरूनी को काम करता है ना, तो वो चीज सही है। आप कहाँ चले जाते हैं बार बार, खाना खाने गए थे क्या? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। दिल में हमारे लोग के बसते हैं राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। दीदी मारती नहीं तुम, बराबर हाथ उठा रहे हो। उसका एक तेल भी तो आता है गठिया बाई का। तो
हमारी मम्मी जी के भी बहुत पैरों में दर्द होती है, वो भी पैरों से बहुत परेशान रहती हैं बेचारी, उनके पैरों में बहुत दर्द होती है, वो तो नीचे बैठ ही नहीं पाती हैं, उनको तो बिना चेयर के वो नहीं बैठ पा, और नीचे अगर बैठ गई तो उनको उठने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे ताई जी का कुत्तों का अलग प्रॉब्लम, वीडियो देखा होगा आपने, उन्होंने ये तो अच्छी बैठी थी, पैर पे टिप कर दिया उसका, चाहती है बच्चों की, तुम थ्री लगाओ, सब कुछ कर चुकी हूँ, दवा करके थक गई हूँ। अच्छा अच्छा, अरे क्या बताया, आपने खड़े खड़े पानी बहुत पिया होगा, खड़े खड़े पानी चला। अच्छा आपके आपके भी वायरल फीवर है आजकल भैया, वायरल फीवर बहुत चल रहा है, आप सब लोग भैया टाइम पे दवा लेते रहें, कंटिन्यू दवा नहीं बंद करें जब तक फीवर जाए ना, वही हाल हमारा भी है। एक बार पैरों में अगर दर्द हो जाती है तो जल्दी जाती नहीं है। सुबह से क्या गाना गा रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। सुबह से क्या गाना? लोगों में और हमने देखा है ब्लू की कैसे जाता है, वो लोग भी ऐसे हाँ, वो जो भैया गए हैं संजय सरावत जो चुटिया बांधते, क्या नाम है संजय सरावत, हाँ उनके में भी देखे हैं लोग ऐसे काकू भी लिख के भेजते रहते हैं, कभी दिखाएंगे आपको। और लोग भी ज्वाइन हो जाए प्लीज जल्दी जल्दी, थैंक यू फॉर, आपने जो है एसी बंद कर दो, रिमोट उधर ही रखा होगा। आप ब्लू लेके इतना सपोर्ट करती हैं दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम गाते हो ललित जी, थैंक यू ललित भाई, ललित भाई भी, एंड रेनू जी थैंक यू सो मच। छोटे रखते हो तुम ऐसे, तभी कहते हैं ऐसे थोड़ा बैठा करिए, पीछे तकिया लगा लिया कभी, ध्यान रखो बराबर हो। किसी का मैसेज हाइड हो रहा है, उन्हें ब्लू दे दे। अच्छा उनका हो रहा है, ललित सुनील जी का, उन्हें ब्लू दे दे, उनके पास ब्लू है तो उन्होंने, पता नहीं किसका हो रहा है बार बार, इन्हीं भैया का हो रहा है, ललित सोनी का दे रहे हैं, एक बार ललित सोनी जी को भी दे रहे हैं, रुक जाइए। आप भैया ललित सोई जी फिर से आप करें, आप फिर से करें भैया प्लीज, फिर से करें जी। ओके डन डन डन, आप डन हुआ है, इस विंडो ऐसी की आवाज बहुत आती है, स्पीड में आवाज नहीं है, सब ही रखा है ना, स्पीड वॉल्यूम ऊपर रखा होता है। हमारे पापा ने तो लगवा दिया था, सोचते हैं हमारे बारे में। टीवी भी एक साल नहीं चल पाई थी, एक ही साल चल रहा था, कौन सी छोटी रही थी, हाँ एक साल नहीं चल पाई थी, फिर पापा ने बेच के, हाइड होने पर बहुत टाइम घटता है जी, अपने कमरे पापा फोटो नहीं लगा सकते, कमरे में नहीं लगा सकते, नहीं एक हमको एक मैं सब बनवा ले उसमें सब लोग लगा, सब सबकी फोटो, मम्मी पापा सबके साथ, मतलब सबकी फैमिली की, मैं सब कहीं कहाँ लगाऊंगे, बनवाए कुछ लगाते हैं। राधे 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 सर, राधे 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 राधे, जय श्री राधे जय श्री राधे। थैंक यू रेनू जी, कितना इतना लिख लेती है तो लिख भी ना पाए, आए आए अरे आए आओ, आए अरे आओ, ओ ओ जो ओ जो ओ जो अरे आओ आओ,
वाओ अब थोड़ा आप बैठो, अभी जब तक वो कर नहीं तब तक बैठे रहो। हाँ यार जाते हैं लाइक चकड़ी। तुम खूब शैतानी कर लो, खूब बच्चे ना कोई शैतानी तुम्हारी आज। सो है क्या ये? सो नहीं तो रहा, उठ उठ के देख रहा है। तो हमें बाजी इसकी ओर ना डांट दिया तभी, अभी समझने लगा डांट क्या होती है। देखो 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 हाँ बहुत चल। हाँ तभी चल रहे पीछे चल रहे चुपके से। ये जब तक कर जब तक तुम हो तब तक ये थोड़ी शैतान हो गया है, फिर ये सुधर जाएगा अपने आप, फिर कोई मिलेगा नहीं इसको शैतानी करने के लिए। अकेले शैतानी करेगा, अपने अपने जो है खिलौने में व्यस्त रहेगा। तुम लोग कौन तारीख को आए थे? क्या 17 तारीख को आए थे? बैठो लोग दीदी साथ ही आए थे ना। दीदी पहले आ गई थी, फिर जब दीदी दोबारा में गई है फिर साथ में आए। हाँ भाई दोबारा वाला पूछ रहा हूँ मैं। होली कब थी? होली तो इधर थी यार। कितने तारीख को थी होली? 25 को। 15 दिन हो गए पूरे। इतने दिनों आप ही आओगी घर का। थैंक यू सो मच रेनु जी। इतने दिन कानपुर चलेंगे? अनाया कह रही इतने दिन कानपुर में रुकोगे। हाँ 15 दिन। अब पर आप कब आओगे कानपुर? हम आएंगे, जल्दी आएंगे, हम नानी के साथ आएंगे। नानी आएंगे उनके साथ आ जाएंगे। हम आएंगे और मामा आएंगे और नानी आएंगी और डुब्बू नहीं आएगा। और ना डुब्बू के पापा आएंगे ना डुब्बू की मम्मी आएंगी, हम लोग आएंगे। फिर जब डुब्बू आएंगे डुब्बू पापा आएंगे तो फिर हम लोग नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। ऐसे आएंगे डुब्बू नहीं आए, डुब्बू यहीं। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि जिन्नी सिम्बा को भी देखना पड़ता है ना, इसीलिए डुब्बू कहीं नहीं जाएगा। कल हम लोग बाजार भी जाएंगे तब भी डुब्बू नहीं जाएगा, डुब्बू घर में ही रहेगा। ये डुब्बू छोटा है ना इसलिए डुब्बू कहीं नहीं जा सकता। थैंक यू फॉर ऑल जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। मशीन चल रही है देख लो। उंगली उसमें बाल लग गए। ये धोखे से उड़ रहे बाल। ओ शिट मैन ऐसा मशीन क्या चलती है? ललित भाई और रेनु जी आपसे हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग कल लाइव नहीं आएंगे क्योंकि कल हमारे यहाँ तैयारी है पापा जी की, तो इस वजह से हम लोग बिजी रहेंगे। कल के लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। इन परसों हम लोग डेफिनेटली आएंगे, 100% आएंगे। सो आप लोग परसों जरूर आ जाए 8 बजे, एंड कल हम लोग नहीं आ पाएंगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। घर में कल हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, सुबह से शाम तक की काम ही काम है कल का। लेकिन हम लोग को शॉर्ट्स सुडेल के हिसाब से पढ़ता रहेगा, आप शॉर्ट जरूर देखिएगा। मामी देखो तो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चादर को झाड़ रहा है। तुमने किया ना अभी, इसीलिए तुम उसको देख के कर रहा है। तुमको देख क्यों मैं चादर बिगड़ी थी तो मैंने उसको ठीक कर रहा था, मैंने ये नहीं कर रहा था। तो आज फिर से तारीख शुरू हो गई। चल जाएंगे कानपुर, क्या है व्हाट्स पेन? हाँ देखे बताओगे बस हो गया। ठीक 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 चढ़ गई नहीं करेगी अब, चलो एसी बंद होगा बस उठ गई है। अब वो नीचे चलेगी। हाँ वो नीचे चलेगी, मतलब देख लो गर्मी लग रही है क्या बताऊँ। और एसी चलता तो मेरे पैरों पर आए दर्द। मामा एसी चला दो, लगती है पूरा तो ऐठते हैं पैर हमारे, मतलब एसी चलेगा पैरों में वो जो है कुछ ओढ़ लिया तो बहुत ऐठते हैं। और जब बंद होते हैं सही हो जाएंगे, तभी तो हम एसी बंद करते हैं। ऐठते हैं कैसे लगता है पकड़ के कोई ऐसे पैर पे डाले ना डायरेक्ट हवा पड़ेगी तो बहुत खुश होते। बहुत कुछ जब आप लोग कहीं जाते फिर आते तो दोनों लोग हम लोग का स्वागत करते हैं।
Thank you all of you. Thank you for giving me this long, long message. यहाँ पर इसकी धूल लगी है। इसका पाइप लगा हुआ है। ये साफ़ी नहीं करती। वो निकल गया। मामा इसके अंदर। प्लास्टिक निकल गई है। ये रुक गई है तो टपक जाएगी। चलो उसको सुबह आप दिलाला ठीक करेंगे सुबह या कल। ओके लेकिन परसों आप जरूर आए आप लोग। मैं शायद आऊ अगर मैं आऊंगा कल तो मैं मतलब रात 11 बजे 12 बजे आऊंगा। अगर मैं आऊंगा मैं खाली आऊंगा तो अगर टाइम मिला तो वरना कल का कोई बोल रही है कि कर हम लाइव आ रहे सो गाइस अभी हम लोग लाइव यही पे एंड करते हैं और ये स्वीटी भी बोल दो अब सबसे क्षमा से आते हैं लाइव करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं परसों वाले लाइव में तब तक आप लोग ध्यान रखें ख्याल रखें अपने ध्यान रखें पूरा ध्यान रखें स्वस्थ रहे बस्त रहे तब तक के लिए बाय बाय। और अनु दीदी आप भी ध्यान रखें ललित भाई आप भी अपना ध्यान रखें शुभ रात्रि सब लोग ध्यान गुड नाइट ओके जय हिंद जय भारत परसों मिलते हैं बाय परसों मिलते हैं बाय 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 अरे हाँ ठीक है।